हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक से रिलेटेड जो कि आपने डिस्क्रिप्शन में भी देख लिया होगा, आईपीएल से रिलेटेड, इंडियन पेस्टिसाइड से रिलेटेड। तो अगर हम बात करें, बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेशन फेज में है ये शेयर जा चुका है। और ये शेयर अब मुझे क्या लगता है कि ये शेयर बहुत ज़्यादा यहाँ पर भाग सकता है और अच्छे खासे रिटर्न आपको दे सकता है। तो थोड़ा सा इस वीडियो की तरफ हम नजरें बना के देखेंगे, ओके, जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड मेरी राय रहेगी। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे। और बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को खुद की स्टडी करके आपको खुद चीजें को समझ के यहाँ पर लेके आपको चलना है। प्लेलिस्ट को गो थ्रू करना है, दूसरी वीडियोज को जाके देखना है, और एक वीडियो कार ट्रेड पे आपको डाली है जहां पर आज के दिन कैंडल रिवर्स होती हुई नजर आ रही है, तो जाके देखिए। बाकी अगर आपको हमारी कोई सर्विसेज चाहिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो आप यहां पर इस कॉन्टेक्ट नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत ही कम चार्जेस पे आपको बेहतरीन सर्विसेज दी जाएगी, ताकि आप स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से थोड़ा थोड़ा पैसा यहां पर निकाल के अच्छा खासा पैसा यहां पर मार्केट से कमा सकते हैं और करोड़पति भी बन सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और जानते हैं उस पर्टिकुलर वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे आईपीएल की। आईपीएल हम यहां पर डाल देते हैं। अगर हम यहां पर देखें, इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड, ये आपको पता ही है किस क्या कंपनी करती क्या, उससे रिलेटेड भी हम बातें करेंगे। बट कुछ डिटेल्स सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 52 वीक हाई की बात करें, 368 रुपीज का ये स्टॉक्स यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दिया था। और ये स्टॉक्स को मैंने आपको जब ये आया था तब भी रिकमेंड किया था, उसके बाद भागा था, ओके, अब नीचे गिरा है दोबारा। यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और इसी प्राइस लो के पे ही ये शेयर चलता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर देखे तो देखिए अच्छी खासी डिलीवरी, मतलब 54% की यहाँ पर डिलीवरीज आती हुई दिखाई दे रही है, तो ये एक बेहतरीन डिलीवरीज मानी जाती है। इसके बाद इसके अभी रिजल्ट आए थे, काफी इंप्रेसिव रिजल्ट आए थे, और कोई भी शेयर गिर भी नहीं है, 66% शेयर इनके प्रमोटर्स के पास है। अगर हम यहाँ पर बात करें आईपीएल की, तो यहाँ पर आईपीएल में आपको पता चलेगा इंडियन पेस्टिसाइड्स ये करती क्या है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड इज वन ऑफ द ग्लोबली ऑपरेटेड एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। तो समझ रहे हैं, एग्रोकेमिकल्स रिलेटेड ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। और ऑलरेडी ये शेयर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्लोबली यहाँ पर इनका प्रेजेंस है, 1984 बहुत पुरानी यहाँ पर कंपनी है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ये कंपनी नजर आती है। द कंपनी इज द सोल इंडियन मैन्युफैक्चरर एंड अमॉन्ग द टॉप 5 मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबली फॉर सेवरल टेक्निकल सच एज फॉलपेट, थायो कार्बोनेट हर्बिसाइड एंड सेवरल अदर प्रोडक्ट्स। मतलब अलग अलग तरीके के इनके यहाँ पर इनके ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाते हैं रिलेटेड टू एग्रोकेमिकल्स। यहाँ पर और भी कुछ देख सकते हैं, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एग्रोकेमिकल्स कंपनी है। तो अच्छी खासी यहाँ पर सब चीज़ यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपनी में यहाँ पर नजर आती है। एक बार इनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे और वेबसाइट पे जाके यहाँ पर देखेंगे तो आपको इनके बारे में और भी ज़्यादा पता चलेगी। देखिए इनके ये प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पेस्टिसाइड ब्रांड्स, तो यहाँ पर इनकी जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं आप देख सकते हैं। मुझे इतनी जानकारी यहाँ पर जो कृषि से रिलेटेड है वो हम मुझे ज़्यादा है नहीं, बट आप लोग यहाँ पर होंगे, काफ़ी लोग यहाँ पर हमारे फार्मर फैमिली से बिलोंग करते होंगे, तो यहाँ पर वो चीज़ ज़्यादा इससे समझ सकते हैं। बट हम यहाँ पर हमें नॉलेज बेशक से नहीं है, ओके, बट हम यहाँ पर फाइनेंशियल्स देखेंगे, फाइनेंशियल्स मेन रखते हैं, ओके, बट हमें फाइनेंशियल्स यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आएगी और यहाँ पर बिजनेस मॉडल समझ में आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एग्रोकेमिकल्स एग्रीकल्चर के लिए इंडिया किस तरीके से एग्रेसिवली काम कर रहा है, ओके, और जैसे जैसे इंडिया यहाँ पर काम कर रहा है और चाइना से यहाँ पर टक्कर ली जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो ये इस तरीके की कंपनी है जो कि यहाँ पर हमेशा प्रॉफिट देती हुई नजर आती है, तो वो यहाँ पर कंपनी भागती हुई नजर आएगी। देखिए मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ केमिकल्स एग्रोकेमिकल्स बल्क ड्रग्स एंड इंटरमीडिएट्स में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। देख सकते हैं यहाँ पर फंगीसाइड्स हर्बिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स एग्रोकेमिकल्स, मतलब अलग अलग सेगमेंट में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर APIs, मतलब उससे रिलेटेड जो APIs बनते हुए नजर आते हैं, क्योर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंट डिजीज से रिलेटेड, तो वो यहाँ पर APIs में फंगीसाइड्स में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है, जो यहाँ पर फंगस लग जाती है चीजों में, समझ रहे हैं आप। यहाँ पर एज वेल एज हर्बिसाइड्स में कंपनी, और यहाँ पर देखिए जो कीट वगैरह चढ़ते हैं इंसेक्टिसाइड्स यहाँ पर जो पेड़ पौधे में लग जाते हैं उससे रिलेटेड काम करते हुए नजर आते हैं। तो बिजनेस मॉडल हमें समझ में एक तरीके से आ गया है कि क्या बिजनेस है, सिंपली एग्रीकल्चर केमिकल से रिलेटेड बिजनेस है। और मोस्टली जितने भी फार्मर्स है यूपी की है, तो ऑब्वियसली बात है इंडिया में नॉर्थ की साइड में जो फार्मिंग होती है वो एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स यहाँ पर ज्यादा होती हुई नजर आती है। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट अगर यहाँ पर देखे यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में ज्यादा ही यहाँ पर कृषि होती है नजर आती है, बट पूरे इंडिया में ही होती है, इंडिया तो एक कृषि प्रधान देश है ही। तो अगर हम यहाँ पर देखें सिंजेंट यूपीएल, यहाँ पर असेंजा,
स्टोरास, शारदक क्रॉप लिमिटेड, एज वेल एज यहाँ पर कॉन्क्यूस्ट, यहाँ पर ये सारे के सारे इनके वैल्यूएबल क्लाइंट्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इनके प्रोडक्ट्स एज वेल एज यहाँ पर देख सकते हैं, इनके प्रोडक्ट्स वगैरह सब चीज़ यहाँ पर अच्छे खासे तरीके से बिचते हुए नजर आते हैं। बट अगर हम बात करें बिजनेस मॉडल के बाद, जो मेन चीज आती है वो चीज आती है यहाँ पर इनका फाइनेंशियल्स। देखिए स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी में क्या होता है, जैसे कि हम देखते हैं स्मॉल कैप कंपनी और मिड कैप कंपनी में थोड़ी सी वॉलिटिलिटी ज्यादा होती है। वॉलिटिलिटी इन द सेंस कि ये शेयर जब गिरते हैं तो गिरते हैं और फिर उसके बाद काफी देर तक कंसोलिडेट करते हैं और ज्यादा ही गिरते हुए नजर आते हैं। बट जब भागते हैं तो यही जो शेयर है, यही शेयर 5 रुपए के वाले शेयर क्या कहते हैं, कब 5,000 पे पहुंच जाते हैं आपको पता भी नहीं चलती। तो मार्केट कैप यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनी है, आरओसी आरओई 52-41% की है, जो कि हाईएस्ट एवर होती है, जो कि मायने रखती है। यहाँ पर डेट की बात करें, डेट फ्री कंपनी है, कोई भी यहाँ पर प्लेजिंग नहीं है, एक का फेस वैल्यू है डेट, और यहाँ पर बुक वैल्यू की बात करें 33 की है, करंट प्राइस यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, और हाईएस्ट हाई यहाँ पर 364 रुपीज तक ये शेयर जाता हुआ हमें दिखाई दिया था। अब बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की, तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे इसके क्वार्टरली रिजल्ट। तो क्वार्टरली यहाँ पर और भी चीजों से यहाँ पर अगर कंपेयर करना चाहते हैं दूसरी कंपनी से जो कि इसकी पीयर्स कंपनी है, तो आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पर इंडिया, यहाँ पर इसकी मार्केट कैप एक तो सबसे कम यहाँ पर मार्केट कैप नजर आ रही है इन सभी में, बट अगर बात करें आरओसी की तो हाईएस्ट एवर आरओसी नजर आ रही है, समझ रहे, हाईएस्ट एवर आरओसी यहाँ पर नजर आ रही है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सीएमपी यहाँ पर छोटा नजर आ रहा है। तो हर चीज में ये कंपनी यहाँ पर अपने आप को अच्छा यहाँ पर प्रूव करके यहाँ पर दिखा रही है, तो आप इस चीज कंपनी की तरफ ध्यान दे सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो देखिए ईयर क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर सेल्स ज्यादा हुई, एज वेल एज ईयरली बेस पे यहाँ पर सेल्स ज्यादा होती दिखाई दी, एज वेल एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर ज्यादा है, और यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखें तो 24, 27 और 42 करोड़ का, तो हाईएस्ट एवर यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे रिजल्ट। ईयरली बेसिस पे बात करते हैं तो 223, 248, 341, 480, 649, मतलब यहाँ पर कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ है क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे, तो यही बताती है। देखिए 4 साल के अंदर अंदर 3 गुना यहाँ पर कंपनी होती हुई नजर आ रही है, तो और यहाँ पर नेट प्रॉफिट 35 का 135 करोड़, मतलब 4 साल के अंदर अंदर। तो ये क्या प्रूव कर रही है, ये कंपनी यहाँ पर प्रूव कर रही है, 4 नहीं 5 हो गए सॉरी, यहाँ पर ये कंपनी प्रूव कर रही है कि ये कंपनी को बिजनेस करना आता है, इनके मैनेजमेंट को काम करना आता है, तो ऐसी कंपनी को यहाँ पर अपने छोड़ना नहीं है। ये कंपनी अगर हम अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखते हैं तो यहाँ पर हमारे पैसे मल्टीबैगर होते हुए नजर आएंगे, और किस स्पीड से बढ़ेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। रिजर्व्स देखिए 378 करोड़ के रिजर्व से बोरिंग यहाँ पर देखिए 30 करोड़ के यहाँ पर बोरिंग है, जो कि ना के बराबर ही है। वर्किंग CWIP में देखे तो 12 करोड़ का यहाँ पर पैसे लगे हुए है, और जब ये 12 करोड़ यहाँ पर एड होते हुए नजर आएंगे तो ऑब्वियसली बात है और भी ज्यादा इनकी सेल्स होती नजर आएगी। इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ का, कैश की बात करें 43 करोड़ का कैश, और जो भी पैसा आता है इनकी बुक में दिखाई देता है। एक साल यहाँ पर 2019 में नेगेटिव था, बाकी पॉजिटिव और हाईएस्ट एवर कैश फ्लो। और हम आरओसी की बात करते हैं, देखिए 32, 30, 37, 52%, मतलब आरओसी भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, और 30 से नीचे तो कभी गई नहीं। तो ये चीज क्या बताती है कि यहाँ पर आपके पैसे मल्टी बैगर बनते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, 5 से 10 साल के लिए शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रख लीजिए, और जब तक अच्छे नंबर दे रहा है ये शेयर, ऐसे ही शेयर यहाँ पर आपको करोड़पति बनाते हुए नजर आएंगे। ऐसे शेयर में 10 लाख रुपए लगा देते हैं ना, तो हमारे शेयर, हमारे जो पैसे है वो 10 से 20 साल के अंदर अंदर हमें 100 करोड़ से 500 करोड़ बनते हुए नजर आता है। तो थोड़ी चीजें ध्यान दीजिए। प्रमोटर्स की होल्डिंग 68.17% है, और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 31% की होल्डिंग है, बट 31 नहीं है यहाँ पर। इंडियन पेस्टिसाइड इनकी खुद का डीमेट अकाउंट है, तो उसमें देखिए 21%, तो मतलब 10% यहाँ पर रह गया। यहाँ पर 3, 2, 2, यहाँ पर 1 अगर बात करें 8% यहाँ, तो लगभग लगभग 2% के आसपास की हिस्सेदारी यहाँ पर पब्लिक के पास। तो ऐसे शेयर में जहाँ पर 2% की हिस्सेदारी रहती है, तो कंसोलिडेट जरूर शेयर को करते हैं, ऑपरेटर का गेम होता है, याद रखिएगा ऑपरेटर का गेम। ऑपरेटर यहाँ पर मार्केट में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, ऑपरेटर यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रमोटर से ज्यादा, जो प्रमोटर्स होते हैं ना इनके भी बाप होते हैं, ऑपरेटर ही है जो यहाँ पर शेयर को भगाएंगे। तो 2% के शेयर, 2% के शेयर का मतलब क्या है, 2% के शेयर का मतलब है इसका 2%, मतलब 600, अगर हम बात करें कितना हो जाएगा, लगभग अगर हम देखें लगभग 60 करोड़ यहाँ पर 60 करोड़ 70 करोड़ के आसपास का हो जाएगा 2%। तो अगर आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें 70 करोड़ रुपए, मतलब कोई भी
ऑपरेटर जिनके पास अच्छे खासे पैसे रहते ही है, और ये 70 करोड़ रुपए यहाँ पर लाखे ना इस शेयर को अपर सर्किट ले जाके ना कितने ऊपर तक यहाँ पर शेयर को ले जाएंगे आपको समझ में नहीं आएगी। इसी तरीके से बहुत सारे शेयर से अगर मैं आपको नाम बताऊं तो देखिए यहाँ पर इंडस टावर, नहीं जब तक नहीं भगा रहे थे तब तक नहीं भगा रहे थे, ओके तब तक इसे शांत रखा हुआ था इस शेयर को भी, जब जैसे ही भगाया यहाँ पर देखिए एक ही बारी में यहाँ पर पैसे दे दिए यहाँ पर। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना इंडस टावर, यहाँ पर देखिए इंडस टावर, चीजें समझिए, इंडस टावर से बेहतरीन शेयर है। इंडस टावर को मैं आपको बस वैसे ही दिखा रहा हूँ, देखिए पब्लिक की होल्डिंग कितनी है 0.72%। तो ऐसे ही जब कम यहाँ पर होल्डिंग होती है ना, जहाँ पर कम शेयर होते हैं ऑपरेटर उन्हें पागलों की तरह भगाते हैं, वो चीज समझनी होगी। तो मैं आपको यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आईपीएल की। तो यहाँ पर आईपीएल की बात अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए शेयर पहले यहाँ पर गिरा, ओके गिरने के बाद यहाँ पर इसे तो ऑपरेटर्स ने जितना हो सका इतना गिराया, कंसोलिडेट करा रहे हैं। देखिए रिजल्ट सबसे बेहतरीन है ईयरली क्वार्टरली बेस पे, मैंने इसे भर भर के खरीद रखा है। मैंने जितने भी हमारे अकाउंट्स से जितने भी लोग हमसे कनेक्टेड है सबके अकाउंट में यहाँ पर रख रखा है। ये शेयर जब भागना शुरू करेगा मल्टी बैगर रिटर्न देता हुआ नजर आएगा, तो इस चीज को समझने की जरूरत है। और यहाँ पर देखिए मार्केट कितनी बार गिरी, मार्केट बहुत बार गिरी है यहाँ पर बिटवीन दैट टाइम, बट यहाँ पर शेयर देखिए इससे नीचे नहीं आया, 300 के नीचे नहीं आया और उसी रेंज में चल रहा है अभी भी। जब मार्केट यहाँ पर गिर रही है ना, गिरती हुई नजर आ रही है थोड़ी बहुत, तो भी देखिए सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है, तो बहुत बेहतरीन सपोर्ट, बहुत बेहतरीन यहाँ पर कंसोलिडेशन। यहाँ देखिए कंसोलिडेशन ही हो रहा है केवल केवल, यहाँ पर देखेंगे अगस्त से सेप्टेम्बर मतलब 2 महीने से कंसोलिडेट हो रहा है। जब भागना शुरू करेगा ये शेयर आपको मल्टीबैगर रिटर्न देगा। अब बात करते हैं चार्ट की, तो सबसे पहले हम यहाँ पर चार्ट से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो रहा है बट ये बातें आपको बतानी जरूरी है, क्यों? क्योंकि यही चीजें आपको यहाँ पर पैसा बना के देंगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो छोटा सा कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पर समझेंगे, आप हमारी वीडियोस को देखते हैं ओके डेली बेसिस पे, तो आपको पसंद में आएगी। ऐसी चीजें ही हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए ये कप बनाया है, इसके बाद ये हैंडल बना के ऊपर की तरफ निकल जाएगा और यहाँ पर जो इसके टारगेट नजर आएंगे ना, ये लगभग जो इसका अभी ऑल टाइम हाई था लगभग उतने ही टारगेट नजर आएंगे, ज्यादा टारगेट नजर नहीं आएंगे। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर ये 10% और ये ऊपर अगर हम ले जाते हैं इसे उठा के, तो देखिए वही टारगेट नजर आ रहे हैं, कौन से, जो इसके ऑल टाइम हाई है, ओके इसी के आसपास ये शेयर जा रहा है। तो मतलब इतना तो मिल ही रहा है, 30 रुपए का ये कितना लगभग 50 रुपए का तो मूव मिल ही रहा है। बट यहाँ पर और दूसरे तरीके से अगर आप देखेंगे ना, अगर किसी के पास यहाँ पर निगाहें है अच्छे तरीके से, वो मार्केट को देखना चाहता है, तो यहाँ पर एक चीज और बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर रिवर्स हेड एंड शोल्डर, ये शोल्डर बनाया, इसके बाद ये यहाँ पर हेड बनाएगा और यहाँ पर बना के इसे फिर दोबारा शोल्डर बना के ये चीज निकलेगा। तो यहाँ पर हेड की प्रिपरेशन हो रही है, पहले यहाँ पर ये इस लेवल को क्रॉस करेगा, फिर उसके बाद उसे क्रॉस करके जब जाएगा तो इसके टारगेट कितने होंगे पता है? इसके टारगेट फिर चेंज होते हुए नजर आएंगे और इसके टारगेट बनते हुए नजर आएंगे, ये वाले यहाँ से हमने ये दिखाया, बट इसके लिए टाइम लगेगा। ओके यहाँ पर कोई भी चीज इतनी इजीली नहीं होती, हम बोलते जरूर है बट यहाँ पर चीजें थोड़ी सी टाइम लेती है। तो इसके अगर हम बात करें कितना टाइम यहाँ पर टारगेट आ रहे हैं, तो इसके टारगेट आ रहे हैं ये वाले 427 रुपए के, और 427 का मतलब कितना है अगर हम आज की डेट से ले तो लगभग लगभग ये कितने, लगभग 37% के, 6 महीने में भी अगर ये 37% के टारगेट आ गए ना, तो या फिर 1 साल में भी आ जाते हैं तो साल का 40% का मतलब है कि आप 10 लाख रुपए लगाते हैं तो 800 करोड़ रुपए यहाँ पर 20 साल में होते हैं। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। बाकी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है, हमसे कॉन्टेक्ट करना है, हमसे कुछ और ऐसे बेहतरीन स्टॉक से रिलेटेड जानकारी लेनी है तो यहाँ पर इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। सो थैंक यू सो much. God bless.